वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कुछ 4 बज रहा है और मैंने सुबह का वो शूट किया था, लेकिन मैं अभी उसका इंट्रो शूट करना भूल गई थी, तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ। और बस आज का बेसिक नॉर्मल रूटीन में आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं था आज। बस और क्या बोलूँ, आज कुछ मुझे कुछ शेयर करना था आप लोग से। शेयर ये करना था कि मतलब अभी देखो मेरा कुछ ब्लॉग डालना मतलब 2-3 दिन पहले से मैंने शुरू ही किया है, ठीक है। और उसके बावजूद भी पता नहीं लोगों के पास, मतलब मुझे ये इसका प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग मेरे में कमियां निकालो या जो भी निकालो चलेगा, क्योंकि गलत लोग को सही करना अच्छी बात होती है। पर अगर आप लोग कुछ सही नहीं बता सकते हो, गलत को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो, तो ये बेफिजूल बोलना नहीं चाहिए किसी को भी ना। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत किसको है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। बस आना है, कुछ भी गंद बोलना है और बस चले जाना है। मतलब अगर आपको इतना ही शौक है बोलने का, तो अच्छी जगह पर बोलो ना भाई। ऐसे किसी के भी मतलब प्रोफाइल में जाके, चैनल पर जाके कुछ भी बोल के आ जाते हो, मतलब यही सीखते हो क्या बैठ के आप लोग? अभी देखो मैं कुछ तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप लोग का मुंह है, आप लोग का हाथ है, कुछ भी टाइप करो। पर मैं इतना कर सकती हूँ कि अगर आगे से मैं देखी मेरे चैनल पे कुछ भी, तो मैं कोई क्या कहते हैं उसको, मैं सेम चीज़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ वो उसको मैं सिंपली ब्लॉक कर दूँगी। मुझे ऐसा सब्सक्राइबर या फैमिली नहीं बढ़ाना है जो आपको इज्जत ना दो चलेगा। लेकिन फालतू का डिसरिस्पेक्ट तो मत करो ना भाई, मतलब बेमतलब। सबके फैमिलीज ऐड होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो भी फ्रेंड्स होते हैं, सबको क्या लगेगा कि मतलब यही सब चीज़ के लिए लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी करने के लिए आया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लाइक मत करो, कुछ सब्सक्राइब कुछ मत करो, पर बेमतलब का उल्टा सीधा मत बोलो। पता नहीं लोगों को दिक्कत होता है कि नहीं होता, बट मुझे बुरा लगता है कि अभी मैं कुछ भी शुरुआत की हूँ, गलत है गलत है सब कुछ बोलो, उसको मैं बुरा नहीं मानूंगी, अच्छा। और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पर अगर आप ये नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं कि हाँ आप ये करो वो करो, ये वाला डाउनलोड करो, इससे अच्छा बनेगा ब्लॉग, इससे एडिटिंग अच्छा होगा। सो उन लोगों को थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू कि हाँ आप लोग मतलब जिसको जानते नहीं हो, 2 दिन से जान रहे हो, जो भी है अब जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो अपना कीमती वक्त मेरे को दे रहे हो, बट उसके लिए शुक्रिया। लेकिन वो जो लोग हैं, जो 2-4 लोग आ जाते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको बोलने का इतना शौक है ना, तो आप खुद अच्छी जगह पे बोलो ना, अच्छा चीज़ बोलो, तो आपको वो काम देगा। कुछ प्रोडक्टिव किया करो ना भाई, मतलब दूसरों को बस आप उंगली करके चले जाते हो, इसमें बहुत मज़ा आता है कि हाँ ओ वाह मैंने आज कुछ तीर मार लिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बट आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है वो कीजिए। और मैंने जो भी सुबह का कुछ कुछ शूट किया है, वो मैं इसके आगे क्लिप डाल दूँगी। और ठीक है, मुझे कुछ लोगों को मेरा आज भाषण लगेगा, पर मुझे कुछ कहना था, मुझे अंदर से कुछ लग रहा था कि मैं 2-3 दिन का कुछ डाली हूँ, 2-3 मिनट के ब्लॉग में लोग पता नहीं क्यों इतना जज कर लेते हैं लोगों को कि हाँ वो ऐसा है तो इसका ये कर रहा है, तो उसको ये नहीं करने आता, वो नहीं करने आता। अरे भाई कोशिश तो कर रहा है ना वो, आप लोग वो कोशिश क्यों नहीं करते हो? बस डीमोटिवेट करवा लो जितना करवाना आप लोग से। और वो मैं सबको नहीं बोल रही, सॉरी बन, मैं सबको नहीं बोल रही, वो एक दो लोग जो वैसे होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, जो पूरा तालाब को मछली गंदा करती है, एक बंद वही वाला उन लोगों को वैसे बोल रही हूँ। बाकी लोगों के लिए थैंक यू, जितना भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे फॉलो किया, जो भी किया, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे मतलब हेल्प हो रही, मोटिवेट हो रही थोड़ा थोड़ा। मैं आप लोग खुद नोटिस करो कि मैं पहले वाले कुछ ब्लॉग से अब और अभी थोड़ा मैं कॉन्फिडेंटली कुछ बोल पा रही हूँ। सो थैंक यू। और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक, एंड जो मैंने अभी जो कुछ पहले का सुबह का जो भी मेरा रूटीन था, थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे वो कुछ काम करने वक्त मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो बस जितना हो पाया मैं उतना की हूँ। बाकी अच्छा लगे सही लगे तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू। ये आज सुबह का है, यहाँ का जो मौसम वो मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ देखो आज बहुत अच्छा मौसम था, मतलब एकदम ठंडा ठंडा मौसम था, ना धूप था और ना फॉगी था, अच्छा था। ये मेरे बालकनी से बाहर का सीन है, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एकदम ग्रीनरी टाइप का है। और आज मैं वही खाने में क्या बनाना था, तो ये आज मैं सोयाबीन बनाना था, तो उसी का मैं तैयारी कर रही थी, शॉपिंग करके रखी थी, यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, मतलब जितना हो पाया उतना मैंने किया आज।
और ये मैं आलू बॉईल की थी उसका है, और बस कुछ मसाला जो होता है बेसिक मसाला उसको मैंने एक में ऐड कर दिया है ताकि थोड़ी देर तक सोख हो सके तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और बस मैंने जितना हो सका ना मैं उसको ऐड की हूँ जो मसाला फ्राई किया हुआ वो भी है बेसिक चीज। और बस मतलब आज का था कि आज सोयाबीन खाने का मन था घर में, तो चलो ठीक है आज मैंने वही मतलब कोशिश की बनाने का कि चलो आज ये बनाती हूँ। और साथ में था कि आज चावल नहीं खाना है तो कुछ लाइट खाना खाना है सुबह में, तो इतना सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ एक बार में कि मतलब दो टाइम चल जाता है मतलब सुबह दोपहर में। अभी बार बार कौन बनाए कि हाँ सुबह में एक सब्ज़ी बना दो और दोपहर में एक सब्ज़ी बनाओ, तो इसलिए मैं साथ में इतना दो टाइम का बना ली हूँ। और साथ में पराठा मैं बनाई हूँ, बच्चा खा लेता है पराठा होता ना कि मतलब पराठा देखो बच्चा लोग थोड़ा सा इजी खा लेता है, तो इसलिए मैं पराठा और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। बाकी ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you.